देश में फिलहाल बहुत जगह चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में भाजपा की जीत पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। चंद्रराज सिंघवी ने इसे राजनीतिक दलों की खींच बताया। जोधपुर में चंद्रराज सिंघवी ने मीडिया से बातचीत के दौरान ईवीएम पर आरोप लगाने वालों पर चुनाव को बायकॉट करने की बात कही। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि यदि अन्य पार्टियों को लगता है कि ईवीएम में छेड़खानी कर सत्तारूढ़ पार्टी चुनाव जीती है, तो ऐसे में अन्य सभी दलों को चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए, लेकिन हम पर ईवीएम में गड़बड़ करने का आरोप लगाना गलत है। यदि सच में ईवीएम में हेराफेरी है, तो ये हेराफेरी दिल्ली चुनाव में भी हो रही होगी, जिससे केजरीवाल चुनाव जीते, और पंजाब में भी हो रही होगी, जहां कांग्रेस ने सरकार बनाई है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हुई हार ना पचने के कारण सभी राजनीतिक दल ईवीएम को दोषी करार दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मैं कहता हूं ईवीएम सही है या गलत, ये प्रश्न ही बेकार है। अगर ईवीएम पर संदेह है तो चुनाव में भाग क्यों लेते हो? जिन पार्टियों या जिन व्यक्तियों को ईवीएम संदेह है, उन्हें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। आप चुनाव लड़ते भी हो, ईवीएम का प्रयोग भी होता है, फिर आरोप भी लगाते हो, दो बात कैसे हो सकती है? अगर ईवीएम इतनी संदिग्ध है तो आपकी हार निश्चित है, ईवीएम इतनी संदिग्ध है तो आपका चुनाव लड़ना बेमानी है, फिर चुनाव लड़ते क्यों हो? जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव में वोट देते हैं, जो चुनाव में मतदान करते हैं, उनको ये आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। अगर ये बात उनमें थोड़ा बहुत भी दम है तो दे शुड बायकॉट द इलेक्शन। ये तो कोई भी आदमी हारने वाला कोई बहाना कर लेगा, इसलिए भी हार जीत का अर्थ ही नहीं है। मतदान का अर्थ क्यों हार जीत डिक्लेयर की जाती है? सीधा बोलो ईवीएम मशीन चाहती है, उसी को हम जीता हुआ डिक्लेयर करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये खीज है, हारने वालों की खीज है जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं। पहले चरण का मतदान क्लियर कट, मेरे को जहाँ तक जानकारी है या जो मेरे मित्रों की राय है, मैं गुजरात चुनाव का जेडीयू का प्रभारी रहा हूँ और उमा भारती की पार्टी का भी मैं गुजरात का प्रभारी था।